हेलो स्टूडेंट, आरके कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा बेस इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश ग्रामर से बेटा नंबर सिखा रहा हूँ मैं आपको। क्या सिखा रहा हूँ बेटा? नंबर, ठीक है। तो बेटा नंबर क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ग्रामर का इसमें ग्रामर में इसका क्या प्रयोग है, ठीक है बेटा। तो देखिए, नंबर को नंबर जानने से पहले बेटा इसके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी दे दूँ, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम नंबर के एक वचन से बहुवचन बनाने वाले रूल लिखेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो, संज्ञा के दो वचन होते हैं। संज्ञा मतलब कोई भी संज्ञा शब्द होता है, उसके दो वचन होते हैं, या तो वो एक वचन होता है या वो बहुवचन होता है। तो हमें कैसे पता चले बेटा कि एक वचन या बहुवचन है, इसी बात को मतलब समझाने के लिए बेटा मैं रूल लिखाऊंगा, उन रूलों से हम समझेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देखें, संज्ञा के वचन मतलब दो वचन होते हैं, तो पहला वचन होता है एक वचन, दूसरा बहुवचन है, यानी सिंगुलर नंबर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है बेटा। संज्ञा के कितने वचन होते हैं? दो वचन, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके बारे में थोड़ा पहले पढ़ते हैं। एक वचन सिंगुलर है, यानी एक वचन सिंगुलर नंबर, यह क्या है? वह संज्ञा शब्द जिससे एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है। यहाँ पे बेटा मैं एक लिख सकता हूँ, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है, उसे एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा इसके एग्जांपल क्या है? बॉय है, कैट है, देख लो सब एक वचन है। बॉय माने का, कैट ट्री माने पेड़, पेन माने कलम, ऑक्स माने बैल, एम ए एन मैन माने आदमी, टी आई जी या टाइगर माने चीता या बाघ बोल देते हैं, और एट एक्स्ट्रा बेटा, ठीक है। और अब बेटा हमने एक वचन समझ लिया, सबसे पहले संज्ञा के दो वचन में से एक वचन हमने ये समझ लिया, अब समझते बेटा हम बहुवचन, ठीक है। तो दो नंबर पे बेटा हमारा बहुवचन है, यानी कि प्लूरल नंबर। वह संज्ञा शब्द जिससे दो या दो से अधिक, मतलब एक नहीं बेटा, या तो दो होंगे या दो से अधिक होंगे, क्या बेटा? वस्तु या प्राणी, तो बेटा वो क्या कहलाएंगे? हमारे बहुवचन, ठीक है। क्या कहलाएंगे? बहुवचन। तो देखो, वह संज्ञा शब्द जिससे दो या दो से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध होता है या बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, यानी प्लूरल नंबर कहते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ गर्ल, जी आई आर एल, गर्ल माने लड़की, इसमें मैंने एस लगा दी तो बेटा गर्ल्स, यानी बहुवचन बन गया। टी यू बाई एस यानी टॉय माने खिलौना, एस लगा दी टॉय माने खिलौने। डी ओ जी डॉग माने कुत्ता, एस लगा दी तो इसमें कुत्ते। पी ई एन सी आई एल एस पेंसिल, यानी पेंसिल माने कल वो पेंसिल, इसमें एस लगा दी तो बेटा, ठीक है, पेंसिल्स, यानी बहुत सारी बात हुई। बुक माने पुस्तक या किताब, एस लगाने से बेटा किताब है, ठीक है। बी ए डबल एल बॉल्स माने गेंद, और एस लगाने से गेंद और बेटा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब बेटा मेन पॉइंट यहाँ पे आपने देखा कि जैसे मान चलो यहाँ पे मैं गर्ल का एग्जाम्पल यहाँ ले सकता हूँ, जी आई आर एल, ये क्या बेटा मेरा एक वचन है, ठीक है। इसमें एस लगा देने से बेटा ये बन गया बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम अकेले एस का ही प्रयोग नहीं करेंगे बेटा, अन्य भी प्रयोग है जो एक वचन से किसी संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाने के लिए काम आते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे एस वाली मैंने लिखे हैं, कुछ और भी थोड़े और एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे और रूल लिखाएंगे बेटा, उस रूल के साथ अन्य भी है बेटा, जो जिन्हें मतलब किसी नाउन के पीछे लगाने से वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझो, एम ए एन मैन माने आदमी, इसको मैं एम ए एन कर दूँ बेटा, तो ये आदमी बहुवचन हो जाएगा। देखो क्या फर्क करा इसमें, ई का फर्क कर दिया, ठीक है। तो एम ए एन एम ई एन, तो ऐसे ही बेटा मतलब इन्हें बदलने के और भी रूल हैं। एस के अलावा अन्य लेटर भी बेटा पीछे लगाए जाएंगे नाउन के, तो उनसे बेटा एक वचन से बहुवचन में बदल जाएंगे। तो बेटा मैं उनके रूल लिखाता हूँ और आपको साथ ही साथ समझाता हूँ। तो देखिए बेटा, हम पहला रूल यहाँ पे पढ़ते हैं, इसको मैं रख करता हूँ, ठीक है। इसको आप स्क्रीन शॉट कर लेना बेटा और सारे रूल ध्यान से समझ लेना, और पहला रूल मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो स्टूडेंट, हमने इसके बेसिक पॉइंट बेटा समझ लिए नंबर के, इसकी डेफिनेशन के बारे में मैंने बता दिया बेटा, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उनको अब हम बेटा बदलेंगे, बदलना सीखेंगे, एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बदलते हैं। तो इसके लिए बेटा मैंने पहला रूल यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट, और इसे पहले रूल को कराने से पहले मैं थोड़ी सी आपको एक जानकारी दे दूँ बेटा। यहाँ पे लिखा है वॉवल्स, ठीक है, वॉवल मतलब अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं, यहाँ पे वॉवल्स में स्वर, तो वो होते हैं बेटा ए ई आई ओ यू, ये पांच। इन पांचों से बेटा थोड़ी इसमें हेल्प मिलेगी और इनसे बेटा रूल फॉलो होंगे, इसलिए बेटा इनको लिखना अनिवार्य था। और अब देखो बेटा यहाँ पे इनके अलावा मतलब 26 ए टू जेड होते हैं हमारे लेटर, उनमें से बेटा अगर पाँच लेटर आपको अपनी वॉवल्स में, तो बाकी जितने भी लेटर हैं बेटा वो क्या है हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, यानी व्यंजन है बेटा। तो इन दोनों के रूल के हिसाब से बेटा हम इन्हें एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो देखो बेटा, पहले इसकी डेफिनेशन समझो, पहले नंबर रूल की क्या है, यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में अंग्रेजी का व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, ठीक है, वो तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। तो देखो बेटा, हमने क्या बोला कि अंत में देखना है हमें, बिल्कुल अंत में मीनिंग जो खत्म होता है अपना स्पेलिंग, उस स्पेलिंग के अंत में देखेंगे कि वो क्या है बेटा। अगर स्वर होगा
उसमें एस का रूल फॉलो नहीं हुआ बेटा ये वाला, फिर अगर व्यंजन हुआ तभी फॉलो होगा। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने लिख लिया सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो देखो बच्चों ये मैंने स्पेलिंग लिया बेटा काउ की, एस सी ओ डब्ल्यू काउ। इसका जो लास्ट का जो अंतिम लेटर है बेटा जो डब्ल्यू है वो दिख रहा है आपको डब्ल्यू। ये डब्ल्यू बेटा क्या है, एक व्यंजन है। ऐसे बेटा यहाँ पे के क्या है, इसके अंत में के क्या है, एक व्यंजन है। ऐसे डी क्या, सॉरी जी क्या है, एक व्यंजन है। एल क्या है, एक व्यंजन है। टी क्या है, एक व्यंजन है। ये भी टी है, व्यंजन है। आर भी एक व्यंजन है। इस प्रकार बेटा अंत में लिखने एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसलिए इनको एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो देखो बेटा सी ओ डब्ल्यू ये, तो इसमें हम क्या लगा दें बहुवचन बनाने के लिए एस, ठीक है। काउ माने गाय और इसकी बेटा हिंदी होगी जब एस लगा तो गायन। बुक माने पुस्तक, ठीक है। जब इसका बहुवचन बनाने के बेटा हम करेंगे बुक्स, क्योंकि एस लगाते जाएंगे सब में, ठीक है। और बुक्स माने किताबें यानी पुस्तकें। डॉग माने कुत्ता, जब बहुवचन आएंगे तो इसकी बजाय डॉग्स यानी कुत्ते, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये कैमल है, कैमल माने ऊँट, ठीक है। और यहाँ पे बेटा सी एम ई एल लिख के इसमें हम सिर्फ काट रहे हैं ऐसे होकर व्यंजन पे खत्म होना है। कैमल्स यानी ऊँटों। गॉट माने बकरी, जी ओ ए टी, गॉट्स माने बकरियाँ। बी ए टी बैट माने बल्ला, बी ए टी बैट्स माने बल्ले। चेयर माने कुर्सी, चेयर्स माने कुर्सियाँ, ये बेटा चेयर्स, चेयर और चेयर की चेयर्स यानी कुर्सी और कुर्सियाँ। अब ये बेटा टीचर, टीचर माने अध्यापक या शिक्षक, और टीचर्स माने अध्यापकों या। लाइन माने शेर और लाइन्स माने शेरों, ठीक है। शर्ट माने बेटा होते हैं तुम्हारी कमीज और एस एच आई आर टी एस, इसमें बेटा कमीजों। वर्ड माने पक्षी और पी आई आर डी एस, वर्ड्स माने पक्षियों, ठीक हो बेटा। तो इस प्रकार बेटा जिनमें सवन में जो लास्ट का लेटर था वो क्या था बेटा, सब में कॉन्सोनेंट था यानी कि एक व्यंजन था। इन्हें हम जब बहुवचन से, सॉरी एक वचन से बहुवचन जब बदला कर बेटा सब में क्या लगा दिया, अंत में एस लगा दिया। इस प्रकार बेटा जब भी कोई संज्ञा शब्द है उसको एक वचन से बहुवचन बदलना हो तो उसके अंत में बेटा अगर अंग्रेजी का व्यंजन हो तो हम उसमें एस लगा देंगे तो वह एक वचन से बहुवचन बदल जाएगा। चलो बेटा अब इसका दूसरा रूल पढ़ते हैं। लिया अब बेटा इसका सेकंड नंबर का रूल समझते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, और इस पर किस प्रकार बेटा बनाए जाते हैं रूल के हिसाब से, अगर उनके अंत में बेटा एस हो, एस डबल एस सी एच एक्स सी एच, यहाँ पे डबल एस बेटा ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ एस एच है, अर्थात मैंने रूल में लिखा हुआ है। जैसे कि रूल पढ़ते हैं, यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में एस डबल एस 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 सी एच ओ तथा एक्स हो तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करते हैं। तो बेटा हमें बस इतना याद रखना है, एस हो या डबल एस हो या एस एच हो या सी एच हो ओ तथा एक्स हो तो जब बहुवचन बनाना है ना उससे हमें क्या लगा देना है बेटा, ई एस, ठीक है बेटा। और इसका बेटा मैंने ये वोवेल्स लिखे हैं वो आगे जरूर थोड़ी मैं बताऊंगा बेटा। मैंने पहला रूल बताया जब आपको समझाए थे किस काम के लिए मैंने लिखे हैं। तो देखो बेटा इसमें क्या है, मैं इसका बहुवचन बना दूंगा बी यू एस, ठीक है बेटा। देखिए उसमें लगा दूंगा मैं ई एस यानी बसेस यानी बसें, गैस जी एस इसमें लगाऊंगा बेटा ई एस गैसेस, ठीक है। नहीं गैस हूँ, गैस और गैस हूँ। क्लासेस यानी क्लास कक्षा, और ई एस लगा के बेटा कक्षा है। वॉच माने घड़ी, ठीक है। वॉच माने देखना भी होता है बेटा, वो क्रिया की तरह काम करता है, नाम की तरह कर रही है। वॉचेस माने घड़ियाँ। बॉक्स माने बेटा बक्सा, पी ओ एक्स इसमें ई एस लगा के बॉक्स यानी बक्से। ऐसे बेटा सी एच का होगा अंत में, देखो सी एच है तो मैं क्या लगाऊँ ई एन सी एच इसमें लगा दिया ई एस, तो अंत में बेटा बस सी एस लगाते थे बहुवचन बने बेंचेस, ठीक है। बेंच यानी बैठने की उतना वाली। एस माने गधा, ए डबल एस इसमें लगा दो ई एस, तो एस एस माने गधे, ठीक है। इसके अंत में भी हुआ तो बेटा एम ए एन जी ओ, और लास्ट में लगा दो ई एस तो मैंगोस माने आमो। पी ओ सी एच पी ओ या बेटा पटेटो इसमें भी लगा दिया ये, तो पटेटोज, ठीक है बेटा। पटेटोज यानी आलू। यहाँ पे बेटा ब्रश, ब्रश माने ब्रश ही होता है, और यहाँ मैंने ये लगा दिया तो बेटा ब्रश यानी ब्रश, ठीक है। इस प्रकार बेटा इनके अंत में एस था, एस एच डबल एस सी एच एक्स सी एच डबल एस ओ ओ एस एच, जब इनके अंत में बेटा ये होता है किसी नाम के अंत में, फिर अगर उनका बहुवचन बनाना होता है तो लगा देते हैं ई एस का प्रयोग कर देते हैं, तो एक वचन से बहुवचन बदल जाते हैं, ठीक है बेटा। समझ गए होंगे बेटा, और इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आसानी से एक बार में समझ में आ गया होगा। अब इसका बेटा हम तीसरा रूल करते हैं। तो चलो स्टूडेंट अब इसका बेटा हम तीसरा रूल समझते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने समझ लिया तीसरा रूल क्या है वो समझे बेटा।
देखो यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है, यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में बाई हो और बाई से ठीक पहले अंग्रेजी का कोई व्यंजन, ठीक है, यानी कोई कॉन्सोनेंट बेटा हो, तो एक वचन से जब बहुवचन बनाएंगे बेटा तो हम क्या लगाएंगे, बाई को हटा देंगे इसमें से और बाई के स्थान पर हम क्या लगाएंगे बेटा, आई एस। दोबारा सुनो बेटा, यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में बाई हो, ठीक है, बाई से ठीक पहले कोई व्यंजन हो, मतलब व्यंजन का मतलब ए ई आई ओ ई वो छोड़कर, ए बी सी डी का मतलब ये पांच लेटर्स को छोड़कर कोई भी लेटर हो बाई से ठीक पहले, तो उसको हम हटा देंगे बाई को और बाई के स्थान पर क्या लगा देंगे बेटा, आई एस। तो चलो देखो, जैसे किसी संज्ञा शब्द के अंत में बाई, तो देखो यहाँ पे बेटा बाई है, ठीक है, और फिर क्या करें, बाई से ठीक पहले अंग्रेजी का कोई व्यंजन, यहाँ तो अंग्रेजी का कोई व्यंजन बेटा दे दो, यहाँ पे बी है, दिख रही है आपको बी, ऐसे बेटा यहाँ पे देखो बाई से ठीक पहले आर है, बाई से ठीक पहले एम है, इसी प्रकार बेटा यहाँ पे कोई ना कोई अलग लेटर मतलब व्यंजन होंगे, ठीक है, बाई से ठीक पहले। तो मैं क्या करूँगा, इस बाई को उठा दूंगा बेटा, इनमें जितने भी बाई है उनको उठाकर बेटा क्या लगा दूंगा, आई एस, ठीक है, और जैसे ही आई एस लगा दूंगा तो ये बेटा एक वचन से बहुवचन बन जाएंगे बेटा, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे जो बेबी माने बच्चा होता है, इसमें भी बी तक मैं उतारूंगा, ये बाई बेटा मैं यहाँ नहीं उतार रहा, इसलिए क्या लगा रहा हूँ, आई एस, समझ गए बेटा। ऐसे बेटा देखो स्टोरी है, स्टोरी मैंने कहानी, इसमें एस टी ओ आर तक उतारूंगा, इस बाई को नहीं उतारूंगा, उसके स्थान पर मैं लगाऊंगा आई ई एस, ठीक है। ऐसे बेटा ये आर्मी है, ठीक है, आर्मी में तो बेटा मैं आर एम तक उतारूंगा, आर एम तक, इसके बाद बाई नहीं उतारूंगा, इसमें लगा दूंगा बेटा आर्मी, यानी सेना है। बच्चे कहानियाँ ऐसी कंट्री माने देश होता है बेटा, सी आर तक उतारूंगा, बाई नहीं उतारूंगा, इसमें आई एस लगा दूंगा, कंट्रीज माने देशों। बॉडी माने शरीर होता है बेटा, बी ओ डी तक उतारूंगा, बाई नहीं उतारूंगा, इसमें लगा दूंगा आई एस, ठीक है। ऐसे बेटा इसी प्रकार है ये सब, यहाँ तक एल तक उतारे, बाई नहीं उतारे, यहाँ लगाने आई एस, यानी एम एस यानी परवाह। लेडी माने महिला, इसमें डी तक उतारूंगा, बाई नहीं उतारूंगा, इसमें आई एस लगा दूंगा, लेडीज माने। पोनी माने बेटा पी ओ एन एन तक उतारूंगा, इसमें बाई नहीं लगाऊंगा, क्या लगा दूंगा आई एस। पोनी माने होता है बेटा घोड़े का बच्चा, छोटा बच्चा, ठीक है, तो उसकी जगह घोड़े के बच्चे ऐसे छोटे ऐसे समझ। तो ये सारे देखो बेटा यहाँ पे सब में क्या था, बाई था, और बाई से ठीक पहले बेटा इनमें कॉन्सोनेंट था, सबसे पहले देखो इसमें बाईस पहले एल है, बाईस पहले डी है, बाईस पहले एन है, बाईस पहले डी है, यहाँ बाईस पहले पहले आर है, बेटा बाईस पहले एम है, बाईस पहले आर, बाईस पहले डी, तो सब में बेटा बाईस से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट था, ठीक है। तो जब मैंने इसका एक वचन से बहुवचन बनाया, सब में से बाई उठा दिया, आई एस, ठीक है बेटा। चलो बेटा इसका चौथा रूल समझते, तो चलो बेटा नंबर का हम चौथा रूल समझते हैं, ठीक है बेटा। तीन रूल हमने समझ लिया बेटा, अब चौथा रूल पढ़ते हैं, फिर उसको हल्का, सॉरी इसको बनाते हैं कैसे बेटा, ये बदलते हैं। यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में बेटा क्या हुआ, वो बाई हो, पहले तीसरे रूल में बाई था, इसमें भी बाई है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो और बाई से ठीक पहले अंग्रेजी का कोई स्वर, स्वर यानी वॉवेल्स, ये वाले बेटा ए ई आई ओ यू, अगर ये बाई से पहले, तो बेटा हमारे जो तीसरा रूल उसमें क्या था कि बाई से ठीक पहले व्यंजन थे, तब हमने क्या करा, बाई को हटाकर आई एस लगाया, लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, बाई से ठीक पहले क्या होगा, ए ई आई ओ यू, क्या होगा इस चौथे रूल में बेटा, बाई से ठीक पहले ए ई आई ओ यू। अब हम क्या करें बेटा, इसमें से बाई नहीं हटाएंगे, केवल क्या लगाएंगे हम, एस लगा देंगे, तो बहुवचन बन जाएगा। तो देखो यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में बाई हो और बाई से ठीक पहले अंग्रेजी का कोई स्वर यानी वॉवेल्स हो, तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं या एस का प्रयोग किया जाता है, कुछ भी बोलो। तो देखो बेटा यहाँ पे ये बाई है ना अंत में, यहाँ पे बाई है, देखो सब में बेटा बाई अंत में देख रहे होंगे आप, सबके अंत में क्या है बेटा बाई, ठीक है, बाई से ठीक पहले कोई ना कोई स्वर, जैसे ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ए है ना, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बाई से ठीक पहले कोई ना कोई स्वर होगा, ठीक है। तो ऐसे शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए, ऐसे संज्ञा शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, केवल एस लगा देते हैं। तो बॉय माने यहाँ पे लड़का है बेटा, उसमें लगा दें बॉय, उसके बाद में एस, तो बॉयज माने लड़के, बॉय माने बेटा खिलौना, इसमें लगा देंगे एस, तो टॉयज माने खिलौने, डंकी माने बेटा गधा, ठीक है, और इसमें लगा देंगे एस, तो डंकी माने गधे, मंकी माने बंदर, ठीक है बेटा, इसमें लगा देंगे एस, तो मंकी माने बंदर, डे माने दिन, एस लगाने से बेटा इसमें डे माने दिनों, डे माने खाली, खाली बेटा, और इसमें लगा देंगे खाड़ियों, ऐसे माने होता है बेटा निबंध, ठीक है, क्या होता है निबंध, इसमें लगा देंगे बाई का निबंध, दे माने होता है बेटा किरण, इसमें लगाने हैं तो देश, देश माने किरण, बे माने रास्ता, डब्ल्यू ए वाई, बे माने रास्ता, इस लगाने से, ठीक है, रास्ते, या बे माने तरीका भी होता है बेटा, तरीके, ठीक है, ऐसे लगाने से, हॉलीडे माने छुट्टी,
एच ओ एल आई टी ए भाई, इसमें भी एस लगा दो तो लीव इज माने छुट्टी। इस रूल में हमने क्या किया बेटा, चौथे में सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए के एंड में बाई था और बाई से ठीक पहले बेटा अंग्रेजी का कोई स्वर था ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई लेटर था बेटा, तो हमने क्या क्या किया सिर्फ एस लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया एस। ठीक है, तो एस लगाने से बेटा ये क्वेश्चन से क्या बन गए, बहुवचन। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं इसका पांचवा व्यू। तो बच्चों अब चलो हम बेटा पांचवा व्यू पढ़ते हैं इसका नंबर का। पांचवा व्यू क्या है बेटा, यदि किसी संज्ञा शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते समय एफ एफ ई को हटा कर उसके स्थान पर क्या लगा देते बेटा, वी एस का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो कुछ नहीं बेटा, ये आप अगर आपने ये पढ़ लिया उसी से बेटा बन जाएगा। तो देखो मैंने क्या कहा, अंत में क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए बेटा एफ, या होना चाहिए एफ या एफ ई, ये दोनों। तो देखो बेटा इसमें एफ ई है, इसमें एफ है, इसमें एफ है, इसमें एफ है, इसमें एफ है, इसमें भी एफ है, इसमें एफ ई है। ठीक है ना, तो इन सब में से बेटा एफ या एफ को मैं हटा दूंगा और जब बहुवचन बनाऊंगा तो क्या लगा दूंगा बेटा, वी ई एस का प्रयोग कर दूंगा। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो देखो बेटा यहाँ पे हम नाइफ हटाएंगे, नाइफ माने होता है बेटा चाकू, इसमें से क्या बेटा एफ ई को हटा देंगे तो क्या लगा देंगे बेटा, वी ई एस। ठीक है, नाइफ। अब देखो नाइफ माने चाकू, काफ माने होता है बेटा बछड़ा, इसमें से मैं एफ हटा कर क्या लगाऊंगा बेटा, वी ई एस। ठीक है, काफ माने बछड़ा। लीफ माने होता है बेटा पत्ती, देखो एफ इसमें एफ है, इसको हटा कर क्या लगा दूंगा बेटा, वी ई एस, एस डी बेटा बना देंगे। ठीक है, इसमें थीप माने चोर, पहले आई ई। ठीक है, इसमें तो बेटा एफ हटा दूंगा, क्या लगा दूंगा, वी ई एस। ठीक है, एस बेटा डब्ल्यू एल, वॉक माने भेड़िया, बर्फ माने वो एल तक लिखूंगा, एफ हटा दूंगा, क्या लगा दूंगा, वी ई एस, वर्फ वर्फ माने भेड़िया। ठीक है, और बेटा इसमें से लोप है, एल ओ एल ओ ए एफ। ठीक है, तो ये लोप क्या करूंगा मैं, इसमें से इस एफ को हटाकर क्या लगा दूंगा, वी ई एस। लोप माने पाव रोटी होती है बेटा, लोप माने पाव रोटी, पाव रोटी। लाइफ माने बेटा जीवन, ठीक है, इसमें तो मैं क्या खाऊंगा बेटा, वी ई एस, इस जिंदगी है, इसको कुछ भी बोल लो, जीवन या जिंदगी। अब नाइफ माने होता है बेटा तो चाकू, की देखो वी ई एस लगा दी मैंने, सब में बेटा क्या बना दिया इनका, बहुवचन। ठीक है बेटा, एफ ए पी को हटाकर क्या लगा दिया हमने, वी ई एस। बेटा रूल मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके हिसाब से बेटा ऐसे ही बनते हैं, कुछ नहीं है बेटा, बहुत ही टॉपिक है बेटा जी, इंग्लिश ग्रामर का आप नंबर्स। ठीक है, तो ये जरूरी था बेटा, इसलिए मैंने आपको इसको समझा दिया, ऐसे बारी बारी करके बेटा सारे टॉपिक आपके लिए आते रहेंगे। और बेटा अब इसका जो भी बचा हुआ है बेटा, कुछ और भी रूल है इसके, जो एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है, मैं उनको बेटा नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, यानी दूसरा पार्ट, उसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, अगर बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को बेटा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें।